शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनल नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, व्यवहार निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें हम आज देखना चाह रहे हैं कि जो व्यवहार निर्माण है या व्यवहार की स्थिति है उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, उसको कैसे देखा जाए कि जो हमने उद्देश्य तय किया उसकी पूर्ति हुई कि नहीं। तो इस पूर्ति के लिए आप रिसर्च की शरण में आते हैं, अनुसंधान की शरण में आते हैं, बार बार निशाना लगाते हैं ये जानने के लिए कि आपके लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। तो आप ये भी जानते हैं कि जो रिसर्च है वह उसका जो मेन थीम है, जो जो इस पर जिस पर वो डिपेंड होता है वो है उसका सैंपल, यानी जो प्रतिदर्श है। और प्रतिदर्श को कैसे लिया जाए इस मामले में बहुत सारे मत हैं और बहुत सारे विभाजन किए गए हैं, जिसमें आप प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी और सेमी प्रोबेबिलिटी को देखा आपने। तो प्रोबेबिलिटी, सेमी प्रोबेबिलिटी के बाद हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स की, कि मतलब जो प्रतिचयन की प्रविधियां पूरी तरह से अप्रसंभाव्यता के नियम को देखती हैं, यानी उसमें सभी जो समूह है, जनसंख्या है, उसके सभी सदस्यों के चुने जाने की जो संभावना है वह संयोगिक दृष्टि से उसको सुनिश्चित नहीं किया जाता है। हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग टेक्निक्स में आज का जो वीडियो का यह अंक है उसका नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग टेक्निक है उसका जो फर्स्ट टाइप है कोटा सैंपलिंग। आज हम उस कोटा सैंपलिंग यानी अंश प्रतिचयन या अनुपातिक प्रतिचयन या इसे नॉन रैंडमाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी कहा जाता है, अप्रसंभाव्य स्तरीकृत प्रतिचयन, असंभाव्य जो होता है इसको असंभाव्य स्तरीकृत प्रतिचयन, और इसके और कई नाम हैं, नॉन स्ट्रेटिफाइड नॉन रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। तो इस तरह से इसके कई नाम हैं और इसके नामों में जो मूल बात है यही है कि ये कोटा का मतलब होता है, जानते हैं, अंश, अंश किसी का अंश ले लेना, भाग। तो ये भाग का प्रतिचयन प्रविधि है कि जो जनसंख्या है उसके किसी भाग को ले लिया गया है, अब वो उसको रैंडमाइज ढंग से नहीं लिया गया है, उसमें जो है संभाव्यता के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके संदर्भ में देखिए, आपको मैं जो बिहेवियरल रिसर्च के संदर्भ में एक प्रसिद्ध विद्वान हैं उनकी परिभाषा से अवगत कराता हूँ, जिससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उनका नाम है फ्रायड एन कर्लिंगर, ये फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च इनकी पुस्तक है, जो पुस्तक है, और उस पुस्तक से ये परिभाषा डिफिनेशन ली गई जो कि कोटा सैंपलिंग की है। अब ध्यान से देखिए तो क्या है, वन फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज कोटा सैंपलिंग। यानी क्या कह रहे हैं कर्लिंगर महोदय, FN कर्लिंगर महोदय कह रहे हैं कि वन फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज कोटा सैंपलिंग। यानी जो कोटा सैंपलिंग है, जो अंश प्रतिदर्श चयन की प्रविधि है, यह क्या है, एक रूप है किसका, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, जिसमें असंभाव्यता की बात है, इसमें प्रसंभाव्यता के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया जाता, इसलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग की टेक्निक है उसी की एक, उसका एक रूप है ये कोटा सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, इन विच, इसमें होता क्या है, आगे देखिए, नॉलेज ऑफ स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन, नॉलेज ऑफ स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन, जो ज्ञान के विभिन्न स्तर हैं, स्ट्रेटा माने लेवल्स, जैसे आपने जो पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते हैं कि उसमें हमने क्लस्टर सैंपलिंग बताया था, जिसमें यूपी से किसी पार्टी के बारे में ओपिनियन के लिए लेकर के आपने देखा कि यूपी मंडल, पूरे स्टेट को, फिर मंडल में देखा गया, मंडल फिर राज्य में, अरे जनपद में, जनपद से फिर ब्लॉकों में, ब्लॉकों से फिर गाँव में, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स स्टेटा हो जाते थे। लेकिन वहाँ स्टेटा और यहाँ स्टेटा में अंतर है, वहाँ स्टेटा से जो सैंपलिंग ली जाती थी, जो भी स्टेटा चुना जाता था आपके प्रतिचयन के द्वारा, आपके प्रतिदर्श में, वहाँ
रैंडमाइजेशन होता था, वहां आप लॉटरी विधि से या किसी अन्य विधि से रैंडमाइजेशन के द्वारा चुनते थे। यहाँ आपकी इच्छा अनुसार, उद्देश्य अनुसार, आप जैसे जरूरत होती है आपकी, आप जिसे आप सरल ढंग से कर लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, इन विच नॉलेज ऑफ स्टेटा ऑफ द पॉपुलेशन एज सेक्स रेस रिलीजन एंड सो ऑन, जो स्टेटा नॉलेज ऑफ स्टेटा है, जो ज्ञान का स्तर है पॉपुलेशन के, ज्ञान का स्तर, जो उसके लिंग, धर्म, क्षेत्र, जाति, शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, इस तरह के तमाम तरह के एटीट्यूड पर, आईक्यू पर, हाउस के आप जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके सब में से सबको आप कर सकते हैं। इज यूज्ड टू सेलेक्ट सैंपल मेंबर्स, यह किस लिए बनाया जाता है? जिससे कि जो आपका प्रतिदर्श है उस प्रतिदर्श के लिए सदस्यों का चयन किया जा सके, दैट आर रिप्रेजेंटेटिव, जो कि प्रतिनिधि होंगे, टिपिकल एंड सुटेबल फॉर सर्टेन रिसर्च पर्पज, जो कि आपके कुछ विशिष्ट जो खास अध्ययन है, कुछ खास अध्ययनों के लिए वे आपके जो पॉपुलेशन का वे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सुटेबल होंगे, लेकिन कुछ खास अध्ययनों के लिए, सिर्फ कुछ खास अध्ययनों के लिए ही बात कर रहे हैं। कि इसका मतलब आप परिभाषा का पूरा देखें तो कोटा प्रतिदर्शन एक संभावित प्रतिदर्शन है, जिसमें जीवन संख्या यानी पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, के स्तरों जैसे लिंग, यौन, जाति, प्रजाति, क्षेत्र आदि इसी तरह के अन्य स्तरों के आधार पर प्रतिदर्श की संख्याओं को चुना जाता है, सेलेक्ट सैंपल मेंबर्स, जो कि खास उद्देश्यों के लिए प्रतिनिधिक होते हैं। ये देखिए, फॉर सर्टेन रिसर्च पर्पसेस, कुछ खास उद्योगों के लिए वो प्रतिनिधिक होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, टिपिकल विशिष्ट होते हैं, और सिट्यूबल उपयुक्त होते हैं। तो इस परिभाषा से तो एक बात आपको समझ में आ गई कि ये जो कोटा सैंपलिंग है ये टोटली नॉन प्रोबेबल सैंपल है, और नॉन प्रोबेबल सैंपल में आप रैंडमाइजेशन का यूज नहीं करते हैं। ये सैंपलिंग की टेक्निक कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए है, जैसे इस जै आप क्लस्टर सैंपलिंग किए थे तो क्लस्टर सैंपलिंग की तरह इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसको भी आप अनुपातिक प्रतिदर्श चयन भी कहा जाता है, कि इसमें जो है स्तरों के अनुसार, स्तरों को जो होता है प्रतिदर्शों के समतुल्य मान लिया जाता है, जो माना तो स्वीकार किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि जो पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं जितने रेशियो में, लिंग, जाति, धर्म, जिस भी वेरिएबल्स पर आप ले रहे हैं, उसी रेशियो में आपके पॉपुलेशन से आपके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में भी वे आए। तो ये कोटा सैंपलिंग है, और इस कोटा सैंपलिंग के द्वारा किया क्या जाता है, इस कोटा सैंपलिंग के एक उदाहरण से आप इसको समझें तो बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा कि कोटा सैंपलिंग का क्या तात्पर्य है। मतलब जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझते, जैसे मान लीजिए आपको किसी विद्यालय से 1,000 सैंपल को चुनना है, विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी के बच्चों को चुनना है, आपका सैंपल कितना होगा? आपने तय किया है कि आपका सैंपल 1,000 होगा। मान लीजिए आपने एक कोई विश्वविद्यालय चुन लिया, चलिए आपने VHU को सिलेक्ट किया कि चलिए VHU को सिलेक्ट करते हैं, इसमें भारत भर के, विश्व भर के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो VHU से ही आप सैंपलिंग लेते हैं, स्नातक, स्नातक, परास्नातक। आपने अभी एक विश्वविद्यालय कहा है तो विश्वविद्यालय का तात्पर्य यही कि उसमें स्नातक और परास्नातक के छात्र होंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको 1,000 छात्रों को चुनना है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि स्टेटा, नॉलेज ऑफ स्टेटा में पॉपुलेशन के जो टोटल नंबर, सही कंसीडर करिए कि यहाँ कुल 20,000 विद्यार्थी हैं, मान लीजिए क्या है कि इसमें 20,000 विद्यार्थी हैं, और जिसमें 12,000 लड़के हैं और 8,000 लड़कियां हैं, बॉयज एंड गर्ल, 12,000 बॉयज हैं, 8,000 गर्ल्स हैं। अब इनमें से आपको 1,000 को चयन करना है,
तो पहले तो यहाँ से आपने देख लिया कि 12 और 8, तो इसका आप रेशियो चाहे परसेंटेज निकाल लीजिए चाहे उसका अनुपात निकाल लीजिए। तो टोटल कितना है, 12 20 का 12,000, ये 12,000 है, तो 12,000 कितना प्रतिशत हुआ, 12,000 गुणे ये कितना, 12,000 प्रतिशत निकालिए इसका, 20 का कितना प्रतिशत हुआ, तो क्या करते हैं बटे 20,000 कर दिया आपने 6 हाँ, तो कितने परसेंट आए, 60%। आपने निकाला तो इसका 60% इसमें क्या है, लड़के हैं, और 8,000 का निकाल लेंगे तो ऐसे ही 8,000 का आ जाएगा, 8,000 बटे 20,000, चाहे आप रेशियो निकाले जाए पॉपुलेशन, तो कितना हुआ 40%। ये 40% हो गए, तो 60% 40%, तो आपको पॉपुलेशन सैंपल में कितने बच्चे रखने हैं, आपको 1,000 का 60% कितना हुआ 600, और 40% कितना हुआ 400, तो ये 600 बॉयज और 400 गर्ल्स आपको अपने सैंपल में रखना है। अब करना क्या है, ये तो आपको जनरल ये रेशियो आप मेंटेन करेंगे तो ये भले ना रिप्रेजेंटेटिव हो लेकिन जो आपका विशेष अध्ययन है, तो पहले तो आपको इसको यहाँ एक चीज तय करना है कि आप विशेष अध्ययन कौन सा करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप तय करना चाह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं उनका जो है आज के जो वैश्विक परिदृश्य में जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है उसके संदर्भ में उनका क्या एटीट्यूड है। अब उस एटीट्यूड को जानने के लिए आपने बीएचयू को चुना, बीएचयू से आपको 1,000 बच्चों को चुनना है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आप यहाँ अलग अलग देखेंगे कि दो लेवल्स हो गए, पहले ग्रेजुएट यूजी और पीजी, दो स्टेटा हो गए ना। अब यूजी और पीजी में भी आपको कई सब्जेक्ट्स इस डिसिप्लिन मिलेंगे, यूजी में जैसे बीए हो गया, फिर बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, हाँ, और बीफार्मा हो गया, इस तरह से बहुत सारे वहाँ कोर्स चलते हैं। पीजी में भी ऐसे ही, पीजी में आपका यहाँ एमबीबीएस भी है आपका मेडिकल का, हाँ, इस तरह से बहुत सारे स्टेटा हो गए, पॉपुलेशन के स्टेटा में आप पीजी के भी देखेंगे तो यहाँ एमए हिस्ट्री अंग्रेजी इतिहास भूगोल बायो जियोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एमटेक एमडी, तो इस तरह से बहुत सारे स्टेटा बन गए आपके, देख रहे हैं ना, एक आपने बीएचयू को चुना उसके दो स्टेटा। अब इसमें आपको बॉयज एंड गर्ल चुन रहे हैं, अब जितने स्टेटा आपके बन रहे हैं सब स्टेटा में दो मेन बने, दो हैं टू बने कम से कम, सब में दो दो बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बनाया आपने बॉयज गर्ल्स। अब बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स सभी में इसमें लड़के लड़कियां हैं इस तरह से। अब इसमें आपको देखना है कि जो टोटल 60-40 का रेशियो यहाँ आपने तय किया है शुरू में ही कि 60 बॉयज और 40% गर्ल्स यहाँ हैं पॉपुलेशन में, ये पॉपुलेशन में 60 और 40 हैं बीएचयू में, तो 60-40 आपके सैंपल में ही रखने होंगे। तो 60-40 सैंपल में कैसे आएंगे, उसके लिए आपको जो आपने ये स्ट्रेटा यहाँ सब स्ट्रेटा हैं ये डिफरेंट देखिए है ना, इन विच नॉलेज ऑफ स्टेटा ऑफ द पॉपुलेशन सेक्स रेस रिलीजन एंड सो ऑन, बहुत सारे भी जो भी हैं उसके आधार पर, जैसे आप यहाँ बॉयज गर्ल्स कर लिए, फिर स्टेटा का दूसरा लेवल आपने ये सब्जेक्ट वाइज कर लिया, फिर बॉयज गर्ल कर लिए। अब इसमें बॉयज गर्ल आप यहीं नहीं छोड़ सकते, अभी स्टेटा और बना सकते हैं। इमेजिन करिए कि मान लीजिए आप यहाँ एक एग्जांपल यहाँ नहीं बनाए, आप इसमें इसके आगे की लाइन भूल जाइए, तो आप क्या करते, यहाँ अभी और कर सकते थे, लेवल कर देते सोशल इकोनॉमिक लेवल सोशियो इकोनॉमिक लेवल, इसको कर देते तो उच्च मध्यम निम्न, तब उच्च मध्यम निम्न में बॉयज गर्ल हो जाते, या फिर यहाँ और भी आप कर सकते थे
बहुत सारे हैं, आप जितना सोचें उतना कर सकते थे, रिलीजन्स कर सकते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, या फिर और भी बहुत सारे बैरियर्स। तो जितने स्टेटा आप करते हैं उस स्टेटा के हिसाब से अब इसमें क्या सुविधा क्या होती है, आपने इसको करते चले गए। यहाँ आप रैंडमाइजेशन का यूज नहीं कर रहे हैं, रैंडमाइजेशन का यूज करने में दिक्कत होती है, जो यादृच्छीकरण की प्रविधि है उसको यहाँ आप नहीं लगा रहे हैं। रैंडमाइजेशन न लगाने से इस आपको इस चयन में सरलता हो जाती है, आप सोचते गए तो एक दो एक डाटा पाए उसके बाद तुरंत अपने रिजल्ट तक आए। अब इसमें आप जहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, मान लीजिए आपने तय किया कि इस 600 लड़के और 400 लड़कियाँ लेनी है, तो आप ये बॉयज गर्ल्स का आपने अपने घर अपने मतलब होमवर्क में कर लिया है डाटा, तो इस तरह से जो डाटा तैयार कर लिया है इस डाटा को आप घर पर ही देखते हैं कि बॉयज गर्ल्स आपके परिवार का कोई पढ़ता है लड़का लड़की BHU में तो उसको ले लेते हैं, रिश्तेदारी में ले लेते हैं, आपके गांव का पड़ोस का ब्लॉक का तहसील का जितना सुविधाजनक होता है उसको आप सुविधाजनक तरीके से आप ले लेते हैं। इसीलिए इसको जो है कोटा सैंपलिंग के रूप में डिसाइड कर दिया गया, कोटा एक तय कर लेते हैं और कोटा के हिसाब से इसका चयन कर लेते हैं। तो इस कोटा को चयन करने के बाद आप देखते क्या हैं कि ये सैंपलिंग टेक्निक जो है ये आपके लिए एक बेहतर सैंपल तैयार कर देती है। मल्टी जो इसका जो सैंपल मिलता है आपको मल्टी लेवल का सैंपल मिलता है, मल्टी लेवल का सैंपल मिलने के कारण जो होता है ये कोटा पूरा पूरा आपके सामने तैयार कर देता है जल्द से जल्द, और जो ये ढंग से जो आपकी आपके जो स्टडी का मेन फोकस है उसको पूरा करते हैं। इसमें दो तीन खूबियां हैं कि पहली बात तो ये सरल विधि है, इजी वे में, इसमें आपको ट्रेडिंग बहुत ट्रेंड की ज़रूरत नहीं है। कोटा बनाना आप जानते हैं, मतलब स्टेटा बनाना आप जानते हैं, तो उसमें से कोटा आपको चयनित कर लेना है। एक चीज़ चाहिए कि होल पॉपुलेशन में जो आप लेना चाहते हैं वेरिएबल्स उसका परसेंटेज आपको ज्ञात हो, और दूसरी बात ये कि करने में इसको यूज करने में इसका उपयोग करना बहुत सरल है, इसको बहुत सरल तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, और तीसरी बात है कि इसमें समय श्रम और धन तीनों की जो खर्च है वह कम होती है। इसकी कुछ ये अच्छाइयाँ हुई, इसकी कुछ कमियाँ हैं, कमियों का मतलब जो डिमेरिट्स हैं वो डिमेरिट्स ये है कि ये इस पर जो निकाला गया जो सैंपल कोटा से जो कंक्लूजन निकाला जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो आपका रिजल्ट लागू हो जनरलाइजेशन पर। जैसे ओपिनियन पोल्स निकाले जाते हैं तो उसमें अगर कोटा सैंपलिंग के द्वारा पोल्स निकाले जाते हैं तो बहुत बार ऐसे रिजल्ट आते हैं कि ओपिनियन पोल एग्जैक्ट नहीं होते हैं जैसा रिजल्ट होना चाहिए, मतलब जो भविष्य में उसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। और जो दूसरी इसके पहले वाली विधि आपने पढ़ी थी जो रैंडमाइज सेमी रैंडमाइजेशन की मेथड थी, सैंपलिंग टेक्निक्स थी, उसमें आपने देखा था जो स्टेटिफाइड है और उसके बाद उसमें आपने देखा था कि बहुत क्लस्टर सैंपलिंग है, तो इस तरह की जो सैंपलिंग मेथड्स हैं वो उसमें रैंडमाइजेशन को समाया जा सकता है। कोटा में भी लगाया जा सकता है रैंडमाइजेशन, अगर आप रैंडमाइजेशन लगाएंगे तो ये क्लस्टर हो जाएगी। तो फिलहाल आपने कोटा सैंपलिंग को जाना, और इसमें जो सबसे बड़ी डिमेरिट है उसको जान लीजिए कि इसका जो कंक्लूजन होता है इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है उसका पॉपुलेशन पर उसको पूरी तरह से लागू करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसमें पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप कर रहे हैं रिसर्च कोटा सैंपलिंग की यूज किए, तो आप अपने हिसाब से मन मुताबिक तरीके से जहाँ कोटा दिखाई पड़ा आपका उस हिसाब से आपने उसको कोटे के रूप में तैयार करते चले आए। तो इस तरह से आपने कोटा सैंपलिंग यानी अंश प्रतिदर्शन, समष्टि के अंश का प्रतिदर्शन, या फिर नॉन रैंडमाइज जो स्टेटिफाइड सैंपलिंग है इसकी बात की समझी। आपको जो कुछ कहना हो आपको आइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।